क्योंकि शनि का जो काम है ना सर, फोकस का काम है, ध्यान का काम है और अपने मन को शांत कर। आज हम बात करेंगे 8 नंबर की, यानी कि किसी का भी जन्म सर 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उनके पास 8 नंबर आ जाता है, या फिर किसी का साल में, किसी का मंथ में 8 आता है तो वो भी 8 आ जाता है। सबसे पहले बात सर, 8 नंबर वाले ना काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि शनि का जो काम है ना सर, फोकस का काम है, ध्यान का काम है और अपने मन को शांत करने का शनि का काम है, क्योंकि शनि घरे से प्रदर्शित होता है 8 नंबर। ब्रह्मांड में जितने भी घरे होते हैं सब किसी ना किसी तरीके से हमारे जन्म लेते सार ना हमारे से जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है तो मैं जो आपको बताऊंगा ना उससे आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले 8 नंबर वाले, उनको संपत्ति अगर नहीं भी है ना, अगर वो किसी काम के प्रति अच्छी मन से लगन से काम करेंगे वो संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे। इनके पास ज़मीनें काफ़ी होती हैं, इनको बाइक के या कुछ भी ऐसे वाहन चलाने का बड़ा शौक होता है। और मैं एक आपको बात बता दूं, जब इनको गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं तो ये सब कुछ तहस नहस भी कर देते हैं। लेकिन देखा गया है कि 8 नंबर कहते हैं सर, शनि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, शनि खराब है तो सब कुछ खराब है। तो इस 8 नंबर की ना सर आपको पूजा काफ़ी शिद्दत से करनी चाहिए ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। अब 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया है तो आपको लोहा नहीं पहनना, क्योंकि आपके पास पहले ही शनि आ गया है। या किसी किसी के कुंडली में 2 शनि, 2 8 3 8 भी आ जाते हैं, तो उनको देखा गया है कि वो अपने घर से दूर जाके काम करते हैं, या फिर वो किस घर में रहते हैं वहीं पर उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। ध्यान रखना, जिसके ज़्यादा 8 आएंगे उसे अपने घर पे भी शांति थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से घिर जाता है और वो बातों को ज़्यादा सोचता है, क्योंकि एकाकर्त का नाम होता है ना शनि, वो एकांत के लिए होता है और उसके अंदर ज़्यादा 8 आ जाते हैं वो और ज़्यादा एकांत में आ जाता है। लेकिन वो जिसकी बातें उसको समझ नहीं आती ना, फिर वो उसे रात भर उसके दिमाग में वो बातें घूमती रहती है। तो 8 नंबर वाले, आपको सिर्फ अपने काम के प्रति लगन से ही काम करना है, और एक काम को अगर आप पकड़ कर आप चलते रहो तो कामयाबी आपके कदमों में आ जाती है। अब मैं आपको बता दूं सर, ये नंबर का जो काम है ना, ये बड़ा इफेक्टिव है। अगर इसको आपने समझा तो आप ज़िंदगी में वो सब पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। कुछ भी चीज़ धारण करने से अपने ऊपर वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम वंचित होते हैं। देखो सर, आपकी कुंडली में कुछ भी ना हो, अगर आप कुछ चीज़ें पहनने से वो नंबर ले आते हैं तो धीरे 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 अगर उसकी शुरुआत करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब 8 नंबर वाले सर चांदी का ज़्यादा ना ग्रहण करें अपने ऊपर, अगर जिसके 8 नंबर होगा तो। बाकी 8 नंबर की सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक कुंडली में हर एक नंबर होते हैं और उसको देखकर ही उसके बारे में बताया जाता है। और जिसको भी कुछ चीज़ें अच्छी तरह पूछनी है वो मेरे से कमेंट कर दे, मैं उसको बता दूंगा। मैं निःशुल्क बताता हूँ, क्योंकि आदेश ही नहीं है किसी से कुछ लेने का। ये जो नंबरों का ज्ञान है सर, ये जल्दी से किसी को होता नहीं, अगर जिसको हो जाए ना बड़ा ही चमत्कारी उपयोग, ये मुझे मानता हूँ और इसे वर्ल्ड भी मान रहा है इस नंबर को सर। तो इस नंबर पे ध्यान दीजिए, और 8 नंबर वाले ज़्यादा तेज वाहन चलाने से ज़रूर बचें, और चोट लगने का भी खतरा 8 नंबर वालों को हो जाता है जिनके ज़्यादा 8 होते हैं। तो इसको मनाने के लिए, शनि को मनाने के लिए चांदी ग्रहण ज़रूर करें, और कुछ पूछने के लिए फिर से मेरे चैनल पे आए और रिक्वेस्ट करें कि आपको किस नंबर के बारे में पूछना है, किसको अपने जन्म के बारे में पूछना है, और किसको अपने काम के बारे में पूछना है, और किसको अपनी शादी या कुछ अच्छे काम के बारे में पूछना है, वो निःशुल्क मेरे से पूछ सकता है।